और सारे स्कूल कॉलेज विद्यालय को जो है शिक्षण संस्थान को बंद कर दीजिए, कॉलेज को बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है स्कूल कॉलेज का, शिक्षण संस्थान का। पढ़ाई करके क्या करेंगे, पढ़ाई करते हैं आगे जाकर के उम्मीद होगा एक नौकरी मिलेगा, भविष्य अच्छा होगा। लेकिन आज देख रहे हैं कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, तो क्यों स्कूल, क्यों कॉलेज, क्यों शिक्षण संस्थान, क्यों मास्टर, क्यों प्रोफेसर, सबका सब बंद होना चाहिए। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगल झाड़ में बैल बकरी जैसा, जंगली जानवर जैसा बिताएंगे और क्या करेंगे, एक परीक्षा सही से नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत बड़ा गड़बड़ी है, इसका जांच होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संचालित किया जा रहा है और हमने शुरू ही कहा था कि जब तक ठोस रूप से नियोजन नीति लागू नहीं होगा तब तक स्पष्ट रूप से नियुक्ति नहीं दिया जा सकता है। कई सभाओं पर ओपन कैमरा के सामने बोला है, सैकड़ों मीडिया के समक्ष बोला है, लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार हमारे बातों को नजरअंदाज करते हुए, झारखंड के जन भावनाओं को कत्ल करते हुए और राज्य के छात्रों के भविष्य को कुटरघात करते हुए, अपने सत्ता का ध्वज जमाते हुए इन्होंने जबरन एक फर्जी कॉल रिकॉर्डेड सर्वे का हवाला देते हुए इन्होंने परीक्षा लिया। और जिस प्रकार हम लोग ने शुरू ही दावा ठोका था लगातार आंदोलन के दरमियान में कि मुख्यमंत्री घेराव, विधानसभा घेराव, बंदी और इतना बड़ा आंदोलन की अलग, झारखंड राज्य का आंदोलन से बड़ा, यह पुलिस रिपोर्ट कहता है कि सबसे ज्यादा FIR ये तमाम आंदोलन पे हुआ है। लेकिन आज देखिए आपके सामने क्या हस्त्र चल रहा है। हम कम शब्दों में बताना चाहेंगे कि परीक्षा में क्या गड़बड़ी चल रही है। जैसे जूनियर इंजीनियर की परीक्षा जो बेसब्री से लगातार 2-3 बार दे चुके हैं परीक्षा वहां के छात्र, लेकिन बार बार रद्द हो रहा है। और इन लोगों ने 27 जुलाई को कार्मिक विभाग को आवेदन दिया था कि शुद्ध रूप से TCS आयोन डिजिटल सेंटर परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा का आयोजन किया गया था, पूर्व में किया भी गया था, लेकिन इस बार डमी सेंटरों पर, नॉन आयोन डिजिटल सेंटर पर परीक्षा लिया गया। और जो विगत 28 तारीख को जो लिया गया था, जिसका 6 अक्टूबर को वो परीक्षा बिना ठोस कारण बताए रद्द कर दिया गया। अब बताइए क्या छात्र को ठोस जानकारी लेने का भी अधिकार नहीं है? उसके बाद अगर हम बात करें अभी नगर पालिका परीक्षा का, तो यहाँ चाहे जमशेदपुर की बात करें, रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, इसमें तो हद पार हो गया है। महोदय क्लासरूम से आने से पहले सवाल का जो लिफाफा था वो पहले ही खुल चुका था, ये छात्र गवाह है। और परीक्षा हॉल में जब लिफाफा खुला हुआ मिला तब वहीं पे छात्र सवाल भी खड़ा किए। और धनबाद पुट की आपका DAV अलकुशा का अगर हम बात करें, तो जो एक कमरा का पूरे के पूरे 21 छात्र ने जब इसका आवाज उठाया तो सभी छात्रों को बंधक बना लिया गया। उसे 5 महिलाएं अभ्यर्थी भी थे, जो सुबह 8:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक बंधक बना लिया गया। बीच में कोई ब्रेक नहीं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं। उसमें से दो का बेबी भी था, एक 9 महीना का और एक 1.5 साल का। बताइए ये जुदमुहा बच्चे को भी मां से अलग रख दिया गया बंधक बना करके। और ये तमाम छात्र निर्दोष छात्र थे। उसका गुनाह यही था कि उन्होंने कहा कि यहाँ का OMR सीट पे सीरियल नंबर नहीं है, यहाँ के कुछ क्वेश्चन बुकलेट नंबर पर पेंसिल पेन और मार्कर से सीरियल नंबर लिखा गया है और कुछ में OMR गायब है। फोटोकॉपी के माध्यम से परीक्षा लिया गया था। तात्पर्य यह है कि उसका ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर बेच दिया गया होगा। और ये कोई एक सेंटर की बात नहीं है, ये आपका अगर रांची का संत पॉल कॉलेज, आपका बहुबाजार की बात करें तो वहां का एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट, आयोग का चेयरमैन, सेक्रेटरी को आवेदन लिखा है, जांच की मांग किया। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ का बुकलेट नंबर पर सीरियल नंबर नहीं था और परीक्षा सेंटर से आने से पहले ही जो है कि लिफाफा खुल चुका था, सील टूटा हुआ था। उसी प्रकार लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का बात करें तो रेस्पॉन्स की जारी नहीं किया गया है, उसका कटअप जारी नहीं किया गया, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। और जब रिजल्ट को देखते हैं तो सिर्फ 5 डमी सेंटरों से 35% से ज्यादा रिजल्ट जारी किया गया है। इतना बड़ा घोटाला, छात्र तबाह है, परेशान है। इसीलिए हम लोग ना चाहते हुए भी आगामी 3 नवम्बर दिन शुक्रवार को यही मोराबादी मैदान से महामहिम राज्यपाल के समक्ष, राजभवन तक हम लोग न्याय मार्च करते हुए जाएंगे और राजभवन के समक्ष हम लोग महाधरना हम लोग करेंगे, जिससे पूरे राज्य के छात्र आ रहे हैं, जिसका हम लोग एक तरह से हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं प्रशासन को, जिसका हम लोग को आदेश भी मिल चुका है। साथ ही साथ 3 तारीख को हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए आवेदन दे चुके हैं, जिसका आवेदन का छाया प्रति भी आप देख सकते हैं, जिसका रिक्वेस्ट भी हम लोग किए हैं। महामहिम राज्यपाल से हम लोग मुलाकात करेंगे, शिकायत करेंगे कि
कि झारखंड के छात्रों के साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है, और अगर छात्र इसका आवाज उठाते हैं तो उसको बंधक बना दिया जाता है, और बंधक बना करके दूसरा दिन उन तमाम छात्रों पर FIR दर्ज किया जाता है, और ये DAV अलकुसा धनबाद पुटकी में किया गया। आज हम ऑन कैमरा रिकॉर्डेड हम मीडिया बंधु के समक्ष हम कहना चाहेंगे कि वो जो 16 छात्र पे जो FIR हुआ है, हम लोग सभी छात्र लोग उसका मिलजुल कर हम लोग झीमा लेते हैं, और किसी भी छात्र के साथ अन्याय होने नहीं देंगे, और हम लोग महामहिम से मांग करेंगे कि चाहे जूनियर इंजीनियर कन्या अभियंता परीक्षा में गड़बड़ी का मामला हो, या लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन में गड़बड़ी का मामला हो, या तो आपका नगर पालिका परीक्षा में गड़बड़ी का मामला हो, इसका स्वतंत्र एजेंसी CBI के टीम से इसका जांच किया जाए, और इसको मांग को लेकर के हम लोग आगामी 3 नवंबर को जो हम लोग आंदोलन का ऐलान किए हैं, इसमें पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 2400 जिले के छात्र बस से ट्रेन से या अपने अपने व्यवस्था से आ रहे हैं, और हम छात्र से कहना भी चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो यहाँ की सरकार और यहाँ के आयोग जो रवैया दिखा रही है, और जो छात्र परीक्षा लिख रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भैया हम खेती बाड़ी करेंगे लेकिन झारखंड का परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा देने का मतलब पॉकेट में 15-20 लाख होना चाहिए, अगर 15-20 लाख नहीं है तो परीक्षा देकर के कोई फायदा नहीं है। सचिए झारखंड का JPSC और JSSC उनका इमेज इस तरीके से बन गया है, और झारखंड नवनिर्माण का जो लड़ाई चल रहा है, उस नवनिर्माण का लड़ाई में JSSC कार्यालय को साफ करना एक प्रमुख है, JPSC का भ्रष्टाचार कर कचरा को साफ करना एक प्रमुख कार्य है, जिसको हम लोग करेंगे, और 3 तारीख को हम लोग का कार्यक्रम ऐतिहासिक होने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मानवाधिकार को भी हम निवेदन करेंगे, स्वतः संज्ञान लेकर के उस 16 अभ्यर्थी जिन पर FIR दर्ज हुआ है उस पर न्याय करें, और जो दोषी अधिकारी है, जो यहाँ बार बार सेटिंग गेटिंग किया जा रहा है, उस पर जो है कि निष्पक्ष जांच करते हुए कानूनन कार्रवाई किया जाए। और हम दावे के साथ कह सकते हैं जिस दिन जांच किया जाएगा CBI से, उस दिन क्वेश्चन लीक हर एक परीक्षा का हुआ है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की बात हो, चाहे कनीय अभियंता की बात हो, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात हो, या तो फिर नगर पालिका की बात हो। और हम दावे कर रहे हैं अगर अभी छात्र एकजुटता देकर के नहीं लड़ेंगे तो सचिवालय जो राज्य का एक बहुत बड़ा परीक्षा होने वाला है वो एक भी सीट बचने वाला नहीं है, पूरा का पूरा सीट बेच दिया जाएगा, PGT भी खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आने के बाद उसका भी पता चलेगा, उत्पाद सिपाही अभी कई अभी विज्ञापन आने वाला है, सभी के सभी परीक्षाओं पर जो है कि यहाँ धांधली चल रहा है, और ये धांधली जो 60-40 नीति के तहत बाहर से जो आ रहे हैं वो लोग पढ़ के नौकरी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो लोग क्वेश्चन खरीद करके सेटिंग गेटिंग करके नौकरी लेना चाहते हैं, जिसका हम लोग 3 तारीख को चट्टानी एकता का परिचय देकर के हम लोग मुतोड़ जवाब देंगे, और जब तक स्वतंत्र एजेंसी से जांच का आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग अपना आंदोलन को निरंतर जारी रखेंगे। विभाग ने लेटर जो जारी किया है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए JSSC झारखंड कर्मचारी चयन बोर्ड का जो जारी किया गया है उन्होंने इनकार किया है गड़बड़ी को लेकर के, तो ये जे आयोग के मिली भगत से गड़बड़ी किया जा रहा है तो ये स्वीकार कैसे करेंगे? वो तो इनकार करना स्वाभाविक है, और फिर भी जांच का वो निर्देश दिया है तो जांच कौन करेगा? जांच एक स्वतंत्र इकाई जब तक नहीं करेगा तब तक होने वाला नहीं है। अभी देखिए पिछला जब JEE का क्वेश्चन लिख हुआ था 20-20 लाख रुपये पर, या यहाँ के प्रशासन ग्रामीण SP ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका पुष्टि किया था, उनका SIT कमेटी गठित हुआ है, लेकिन उसका SIT कमेटी का रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं हुआ है। जांच जांच में ही रहता है, इसीलिए स्वतंत्र एजेंसी CBI टीम से ही हम लोग जांच का मांग करते हैं, और JPSC और JSSC खास करके अभी JSSC से परीक्षा संचालित हुआ था चल रहा है अभी, और JSSC ने जो एक नोटिस जारी किया है, और JSSC अपने आप में सवाल के घेरे पर है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसा सेंटर पर जो क्वेश्चन परीक्षा केंद्र पर भेज रहे हैं वो लिफाफा सेंटर से पहले ही खुला हुआ मिल रहा है, तो उसपे कैसे हम भरोसा कर सकते हैं? उसका बात का कोई वेटेज नहीं है, इसलिए राज्य के आदिवासी मूलवासी पीड़ित छात्र परेशान है, हताश है, निराश है, बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, भैया कुछ करिए, अन्यथा हम लोग आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम लोग गाय बैल बकरी चराएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन हम लोग जो है कि परीक्षा का तैयारी नहीं करेंगे। और अगर ये सरकार अगर CBI के टीम से अगर जांच नहीं करा सकती है तो हम कहना चाहेंगे अब सारे स्कूल कॉलेज विद्यालय को जो है कि शिक्षण संस्थान को बंद कर दीजिए, कॉलेज को बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है स्कूल कॉलेज का शिक्षण संस्थान का, पढ़ाई करके क्या करेंगे? पढ़ाई करते हैं आगे जाकर के एक उम्मीद होगा, एक नौकरी मिलेगा, भविष्य अच्छा होगा, लेकिन आज देख रहे हैं कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन बेच दिया जा रहा है।
है तो क्यों स्कूल, क्यों कॉलेज, क्यों शिक्षण संस्थान, क्यों मास्टर, क्यों प्रोफेसर, सबका सब बंद होना चाहिए। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगल झाड़ में बैर बकरी जैसा, जंगली जानवर जैसा बिताएंगे और क्या करेंगे। एक परीक्षा सही से नहीं हो सकता है, इसीलिए बहुत बड़ा गड़बड़ी है, इसका जांच होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।